Hey guys, welcome back to my channel. I'm Shani Sangsramani and as you guys can see in the title, आज का जो वीडियो होने वाला है ना वो होने वाला है न्यू मी पे और न्यू मी से इसलिए बिकॉज लास्ट मेरा न्यू मी जो हॉल है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मुझे ऐसा लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पर अच्छे खासे व्यूज़ थे और मुझे लगा कि आप लोग को न्यू मी के बारे में और जानना है, तो मैंने सोचा कि मैं और भी हॉल वीडियोज़ लेके आऊँगी न्यू मी से क्योंकि मुझे भी वहाँ पे कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऐसे भी न्यू मी के मेरे पास कपड़े हैं जो इतने कम्फर्टेबल है और मैं उनको बहुत ज्यादा पहन रही हूँ आजकल, तो मुझे न्यू मी के कपड़े काफी ज्यादा अच्छे भी लग रहे हैं। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि सारे कपड़े अच्छे आते हैं क्योंकि मैंने ऐसा पहले देखा हुआ है कि कोई कोई कपड़े ठीक ठाक आए हैं, सो इसलिए मैं अपना एक्चुअल रिव्यू देना चाहती थी कि कैसे कपड़े आते हैं न्यू मी से और आपको क्या दिमाग में रख के चीजें लेनी है। तो मैं ज्यादा बात नहीं करती हूँ, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स हियर द वीडियो। आपको ये सब चीजें लेनी है डिस्काउंटेड प्राइसेस पे जैसे मैंने ली है, आपको नीचे जाके सिर्फ साइन अप करना है। मैंने लिंक दे दिया है आपको न्यू मी का, वहां पे आप अगर जाके साइन अप करते हो तो आपको वहां पे 500 वॉलेट कैश बैलेंस मिलेगा जो आपके नेक्स्ट परचेज पे यूज होगा। उसके अलावा आपको मैं यहाँ पे कूपन कोड दे रही हूँ जो है CHANDS, जिससे आपको मिलेगा और 10% ऑफ आपकी परचेज पे। तो अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे चाहिए ये सब चीजें तो आप जरूर ट्राई करके देखना, मैं आपको नीचे सारी लिंक दे दूंगी। और अगर आपको कूपन कोड भी चाहिए वो भी मैं आपको नीचे दे दूंगी, तो आप जरूर ट्राई करके देख सकते हो इन चीजों को। अब इनमें से फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इससे जो मैंने अभी पहना हुआ है। ये जो टॉप है ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा था न्यू मी पे, क्योंकि न्यू मी के जो भी कपड़े आते हैं ना वो मुझे हमेशा एड्स पे आते ही रहते हैं और मैंने इसको जब देखा था तो मुझे हुआ ही था कि मैं इसको कहाँ पहनूंगी मुझे नहीं पता, बट मैं इसको पक्का लेने वाली हूँ। तो मैंने ये वाला टॉप ले लिया, ये है ब्लू कलर में और इस पर थोड़ा सा प्रिंट बना हुआ है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे टाइप के प्रिंट बने हुए हैं। अब इसको जब मैं फिगर आउट कर रही थी ना कैसे पहनना है, मुझे इसके लिए इतनी देर लग गई बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब कॉम्प्लिकेटेड थी मेरे लिए। तो क्योंकि मैं जब इसको पहन रही थी तो इसमें यहाँ पे टाई करने के लिए था, नीचे टाई करने के लिए था, ये था, तो मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज थी कैसे पहनना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मुझे लगा। अगर आपको आता है तो अच्छी चीज़ है, बट मुझे इसको बहुत देर लग गई पहनने में। अब इसके मटेरियल की बात की जाए तो इसका मटेरियल ठीक ठाक सा है, मैंने जैसे सोचा था वैसे टाइप का यह है, बहुत ज़्यादा ना अच्छा है ना बहुत ज़्यादा बुरा है, लाइक इस टॉप के हिसाब से सही है। हाँ, बट एक शॉक मुझे तब लगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओपन है, तो आप इसके अंदर क्या पहनने वाले हो वो आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि बहुत ओपन टॉप है, यहाँ से साइड से भी स्लिट है, आगे से भी है, तो आपको सोचना पड़ेगा इसके अंदर आप क्या पहन रहे हो क्योंकि यहाँ इसके अंदर आप कुछ भी पहनोगे तो आपको दिखेगा बाहर, लाइक क्योंकि बहुत ज्यादा पतला सा है ये, तो ये सोच समझ के लेना कि इसके अंदर आप क्या पहनने वाले हो बिकॉज ये थोड़ा प्रॉब्लम होगा। मैंने इसका साइज क्या ऑर्डर किया था मुझे याद नहीं, बट इसमें मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा साइज का प्रॉब्लम आएगा बिकॉज ये कैसा था कि मुझे ही सारा टाई करना था, तो मुझे लगा कि ये नॉर्मली अगर साइज ऊपर नीचे भी होगा तो भी आ ही जाएगा, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसका प्राइस समथिंग 750 था, 750 के हिसाब से मुझे थोड़ा सही लग रहा है, लाइक अगर आप पहनते हो ऐसे टाइप के कपड़े तो आपको बहुत ज्यादा सही लगेगा। तो ये रोज इसके साथ अलग से आया था, इसको आप टाई कर सकते हो, लाइक ये पिन है आप इसको लगा सकते हो जो बहुत ज्यादा क्यूट है और मुझे ये आजकल बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ट्रेंड, तो अगर आपको ट्राई करना है तो आप जरूर ट्राई करके देख सकते हो। आगे चलने से पहले मुझे आपके साथ कुछ प्रोडक्ट शेयर करने हैं जो है डर्माको से, जो उनका फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है उनका 2% नायसिनेमाइड ऑयली स्किन क्लेंजर, जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है उनका 2% नायसिनेमाइड जेंटल स्किन क्लेंजर और जो थर्ड प्रोडक्ट है वो है उनका अल्ट्रा लाइट जिंक मिनरल सनस्क्रीन। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आपको आगे वीडियो में अच्छे से मिल जाएगा सब डिटेल्स, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको मैं ट्राई कर चुकी हूँ, जिसमें से मैं इनका ऑयली स्किन क्लेंजर यूज कर रही थी बिकॉज मुझे बहुत अच्छा खासा वर्क कर रहा था ये क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है, बट ऑफकोर्स अब जैसे ठंडी आ रही है तो मैं इनका जेंटल स्किन क्लेंजर भी यूज कर रही हूँ बिकॉज अब मैंने इस पर स्विच किया है। मैंने सोचा कि मैं दूसरा भी ट्राई करके देखती हूँ, तो मैं जब इनका जेंटल स्किन ट्राई करना स्टार्ट किया मुझे ये इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे फेस पे बहुत ज्यादा ऑयल आता है टी जोन पे, बट मैंने जब से इसको यूज कर रही हूँ मुझे लग ही नहीं रहा मैं कोई सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मुझे ऐसा फील नहीं होता, इतनी लाइट वेट है ये। तो अगर आपको लाइट वेट सनस्क्रीन चाहिए तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो। अब आपको मैं इनके बारे में आगे सब वीडियो में बताऊंगी। डर्माकोस 2% नायसिनेमाइड स्किन क्लेंजर रेंज इज अ ट्रू सेवियर। इट इज 100% सोप फ्री क्लेंजर दैट ऑफर्स अ जेंटल येट इफेक्टिव सॉल्यूशन टू रिमूव ऑयल, डर्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज।
And the Dermacos Ultralight Zinc Mineral Sunscreen comes with SPF 50 and PA++ to shield you from harmful UVA and UVB rays. This super light sunscreen is enriched with 25% zinc oxide. This sunscreen is water and sweat resistant. So guys, अगर आपको ये product try करना है तो यहाँ है मेरा coupon code जो है Chani2023 जिसे आपको मिलेगा 20% off आपकी purchase पे. ये products available है Nike, Amazon, Flipkart और Dermacos खुद की website पे. अगर आप उनकी खुद की वेबसाइट से बाय करते हैं तो वो आपको लिंक करता है एक बच्चे के साथ जिसको आप एडुकेशन में हेल्प कर सकते हो, जो बहुत अच्छी चीज़ है. और डर्माकोस के सारे प्रोडक्ट्स फ्रेग्रेंस फ्री भी हैं, तो आप इनको जरूर ट्राई करके देख सकते हो. अब हम चलते हैं आगे वीडियो में. अब जो नेक्स्ट टॉप है वो है ये वाला टॉप. मुझे आप में से किसी ने सजेस्ट किया था ट्राई करने के लिए, क्योंकि आपको चाहिए था कि मैं ट्राई करके दिखाऊं, बट इसको आने में बहुत लेट हो गया. सो आई एम सो सॉरी, बिकॉज स्टार्टिंग में ये कैंसिल हो गया था. उसके बाद सेकेंड टाइम पे पता नहीं कहीं फंस गया था, मतलब क्वालिटी चेक में या कहीं पर, मुझे नहीं पता. बट मुझे इतना पता है कि ये बहुत ज़्यादा लेट आया है. जो टॉप है ये वाला मैश टाइप टॉप है, पूरा मैश, तो इसमें मुझे कोई क्वालिटी का प्रॉब्लम नहीं लग रहा, बिकॉज मैश ऐसा ही टॉप आता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते. हाँ, ऐसा होता है कि जो इसका मटेरियल है वो थोड़ा सा हार्ड होता तो मैं समझ सकती थी कि ये थोड़ा मतलब चीप क्वालिटी का है, बट ये काफी सॉफ्ट मैश है, जो मुझे चीज अच्छी लगी. आगे से आप देख सकते हो ऐसे राउंड नेक है, ये फुल स्लीव्स है इसकी, इस पे ये जो प्रिंट बना हुआ है. अब ये आजकल बहुत ज्यादा लोगों को अच्छा लग रहा था, तो इसके प्राइस के हिसाब से मुझे थोड़ा सा ये लगा कि हाँ थोड़ा ज़्यादा है. मैश टॉप के हिसाब से प्राइस ज़्यादा है, बिकॉज ऐसे मैश टॉप मैंने शायद कहीं और भी देखे हुए हैं, मुझे याद नहीं आ रहा. बट अगर आपको ये लेना है और अगर आपको जल्दी में लेना है, क्योंकि अब फास्ट डिलीवरी में आ चुका है, तो अगर आपको जल्दी में लेना है तो आप इसको ले सकते हो, क्योंकि इसमें साइजेस शायद SM या समथिंग कोई थे जो फास्ट डिलीवरी में थे, और वो फास्ट डिलीवरी बहुत जल्दी आ गया. मैंने इनमें से कोई कोई चीज़ें फास्ट डिलीवरी में ही ऑर्डर की थी, और वो समथिंग 5 days के अंदर अंदर आ गई थी. तो ये अब 5 days के अंदर आ सकता है. अगर आपको बाय करना है तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देख सकते हो. इसका साइज़ मैंने नहीं पहना है, बट मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है. आप देख सकते हो मुझे इसकी स्लीव्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, और यहाँ पे एक चीज़ है जो है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. यहाँ पे थंब होल देता है ना, जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है, तो मुझे ये टॉप इसके लिए बहुत ज़्यादा सही भी लगा. और अगर आपको ट्राई करके देखना है तो आप ट्राई करके देख सकते हो. मैंने इसमें साइज ऑर्डर किया है, ओके, सो मैंने इसमें साइज M ऑर्डर किया है, और मुझे लगता है M बहुत सही से आ ही जाएगा. नॉर्मली S भी आ जाता, बट मुझे था कि अगर नहीं आया तो इसलिए मैंने M ऑर्डर किया, जैसे कंफर्टेबल रहे. तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, मैं आपको पहन के दिखाऊंगी कैसा लगा. अब जो नेक्स्ट है वो है ये वाला टॉप. ये है कॉर्सेट. मैंने इसको देखा था न्यूमी पे, और ऐसे टाइप में दूसरे भी देखे थे, बट मुझे ब्लू कलर ट्राई करना था, क्योंकि आजकल मुझे ब्लू बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. तो ये जो कॉर्सेट है मुझे ये खोलने के बाद अच्छा लगा. लाइक नॉर्मली जैसे कॉर्सेट्स मैंने पहने वो थोड़े ज़्यादा थिक मटेरियल के होते हैं, बट ये थोड़ा मटेरियल पतला है जिस हिसाब से, और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा थिक मटेरियल होता तो अच्छा लगता और ज़्यादा. बट मुझे ये भी ऐसे बुरा नहीं लग रहा. यहाँ पे आगे से आप देख सकते हो ऐसे टाइप का है. अब मुझे नहीं पता ये कैसे खड़े रहने वाला है, बिकॉज इसके अंदर वो लाइनिंग, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बहुत चीज़ें भूल जाती हूँ बोलते बोलते. उसके अंदर जो लाइनिंग दी होती है वो इतनी अच्छे से नहीं दी है. आप देख सकते हो ये लाइक बहुत ठीक ठाक सा दिया हुआ है. मुझे लगता है ये पहनने के बाद अच्छा लग सकता है, क्योंकि मैंने भी अब तक ट्राई नहीं किया, तो आई डोंट नो कैसा लगने वाला है. बट मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मटेरियल मुझे ठीक लगा इसका, और यहाँ पे जो रिबन्स दिए हैं ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी लगेंगी पहनने के बाद. पीछे से आपको ये ऐसे टाइप का दिया हुआ है, यहाँ पे पीछे से आपको इसको टाई करना है, और यहाँ पे भी जो रिबन है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. ये है यहाँ पे ऐसे टाइप का, आपको टाई करना है इसको, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ऐसे टाइप का है, आपको इसको टाई करना होगा. और नीचे से ये जो दिया हुआ है, मुझे ये लेस टाइप का जो डिटेलिंग होता है मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है. तो लेट्स सी ये पहनने के बाद कैसा लगता है. अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ट्राई कर सकते हो. अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ड्रेस. बिकॉज नॉर्मली मैं ये टॉप्स का हॉल करने वाली थी, बट मुझे ये ड्रेस पहनने का बहुत ज़्यादा मन था, तो मैंने सोचा ट्राई तो करके देख ही सकते, क्योंकि मुझे ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है न्यूमी से. नॉर्मली मैंने मोस्ट ऑफ यहाँ से ड्रेसेस ही ऑर्डर किए, क्योंकि मुझे इधर की ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है. तो ये वाली वो एक ड्रेस है जो आपको बहुत ज़्यादा दिखती होगी इनकी एड में, जो है किंडल जेनर वाली ड्रेस है ये वाली, सैटिन टाइप. अब इसका सैटिन मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है. मैंने ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था इसके मटेरियल से, मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतना अच्छा मटेरियल आएगा. इसका सैटिन बहुत ज़्यादा अच्छा है, पीछे से शाइन कर रहा है, आगे से शाइन कर रहा है, और अंदर से काफ़ी अच्छा मटेरियल है. आप पहनोगे तो आपको
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे वो लेस वाला डिटेलिंग दिया हुआ है मटेरियल में और मुझे ये लेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ से आपको टाई करना होगा जैसे हॉल्टर नेक हम करते हैं, और इसका यहाँ पे साइड में चेन दिया हुआ है, जिप दिया हुआ है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इजीली जिप अन जिप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें टैग नहीं है तो आई डोंट नो इसमें कौन सा साइज आया है, मैंने ऑर्डर कौन सा किया है मुझे नहीं याद है, मैं आपको यहाँ पे दे दूंगी। बट इसमें क्या साइज आया उसके लिए टैग होना चाहिए था बट मुझे मिल नहीं रहा। हो सकता है कि अंदर से कहीं पे हो, बट वील सी, मतलब मुझे अगर मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगी इसमें क्या साइज लिखा हुआ है। बट आपको मैं पहन के दिखाऊंगी ये कैसा लगता है। मेरे हिसाब से ये समथिंग 1050 का था, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं सब 1100 के अंदर रखने वाली जो भी चीज़ें होंगी, तो ये 1050 रुपीज़ का था। और उसके हिसाब से इसका मटेरियल बहुत सही है, लाइक मैं नॉर्मली जो सेटिन ड्रेसेस खरीदती हूँ वो भी इसी प्राइस रेंज की होती है, और उनका सेटिन बहुत पतला होता है जिसमें आपका शेप बहुत गंदा दिखता है। तो इसके हिसाब से मुझे ये बहुत ज़्यादा सही लग रही है। अगर आपको ट्राई करनी है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देख सकते हो। जो लास्ट टॉप है वो है ये वाला, ये है रेड कलर में। मुझे लगा था ये ट्यूब टॉप आएगा अलग से और ये अलग से आएगा, बट ये साथ में है। आपको ये टॉप पहनना होगा और ये आगे आप रोज़ वाला जो डिटेलिंग देख रहे हो वो दिखेगा, मतलब नेक पे, जो मुझे बहुत ज़्यादा आजकल अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने वैसे टाइप का ही ऑर्डर किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बीच में ट्रेंड में था, तब मैंने ट्राई नहीं किया था, और अब मैं जब ट्राई कर रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो टॉप की क्वालिटी है वो रिप्ड है, रिप्ड मटेरियल का टॉप है, जो मुझे ठीक ही लगा, मतलब बहुत ज़्यादा ना बुरा है, बहुत ज़्यादा ना अच्छा है, सही है। मुझे कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, जो मैंने सोचा था वैसे टाइप का ही आया है। आगे से ये रोज़ भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, मतलब ऐसे नहीं कि जल्दी से निकल जाएगा, वैसे टाइप का नहीं लग रहा। और ये जो है आगे से रिबन्स दिखेंगी, मुझे इसको ट्राई करने का इतना ज़्यादा मन कर रहा है, तो लेट्स सी ये पहनने के बाद कैसा लगता है। मैंने इसमें साइज़ ऑर्डर किया था समथिंग एस या एम ही होगा मेरे हिसाब से, और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सही से ही आ जाएगा, बिकॉज देख के मुझे लग ही रहा है कि काफ़ी सही साइज़ है इसका। तो लेट्स सी ये पहनने के बाद कैसा लगता है। इसका प्राइस भी समथिंग 600 के आसपास था, और आई थिंक 600 के हिसाब से ये ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ना बहुत ज़्यादा सस्ता है, बिकॉज नॉर्मली 600 के हिसाब से मुझे लगता है कि ठीक ही है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। तो अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई करके इसको भी देख सकते हो। इनमें मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिला, बिकॉज आपको जैसे पता है मैंने आपको बोला है कि आप अगर नीचे जो लिंक दी हुई है वहाँ से अगर आप साइन अप करते हो तो आपको वहाँ पे 500 रुपीज़ मिलता है जो आप इसमें यूज़ कर सकते हो, प्लस आपको कूपन कोड भी मिलता है। तो यहाँ पे अपना कूपन कोड भी दे देती हूँ, जो है CHANDS, जैसे आपको अगर 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। अगर आपको ट्राई करना है तो नीचे जल्दी जाके साइन अप कर लो, आपको 500 रुपीज़ मिल जाएंगे, आप उसमें से ट्राई करना, क्योंकि उससे आपको अच्छा खासा ऑफर मिल जाएगा इन पे। मैं आपको इनका ऑफर के बाद भी प्राइजेस दिखा दूंगी जो भी होंगे में, तो अगर आपको ये ट्राई करना है तो ये बहुत अच्छे थे। अगर आपको और कोई चीज़ देखनी है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। अगर आपको और कोई अलग जगह से वीडियो देखनी है तो आप ज़रूर बता सकते हो मुझे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और बेल आइकन दबाना मत भूलना जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो कब आ रही है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।